हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गीकी रे। और इस वीडियो में मैं रिसेंटली रिलीज हुए एक और ब्रिलियंट इंडियन थ्रिलर कम ड्रामा मूवी की बात करूंगा जो मैंने रिसेंटली स्ट्रीमिंग पर देखी है और मुझे बहुत ही पसंद आया है। मूवी का नाम है अट्टियम या फिर इंग्लिश में द प्ले, और ये एक मलयालम लैंग्वेज ड्रामा कम थ्रिलर मूवी है। मूवी के स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये मूवी एक थिएटर ग्रुप के बारे में है जिस ग्रुप को रिसेंटली एक फेमस मूवी स्टार ने ज्वाइन किया है, और इस मूवी स्टार के ज्वाइन करने के बाद से ये थिएटर ग्रुप काफी पॉपुलर हो गया है और पूरे केरला में बहुत सारे शोज कर रहे हैं। और ऐसे ही एक परफॉर्मेंस के बाद कुछ फॉरेनर्स इस ग्रुप को अपने घर पर इनवाइट करते हैं, और ये ग्रुप उनके रिसॉर्ट पर पार्टी अटेंड करने के लिए जाते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं। लेकिन इसी पार्टी में इस ग्रुप की ओनली फीमेल एक्ट्रेस अंजलि पर उसी के ग्रुप के एक एक्टर अंजलि को सेक्सुअली असॉल्ट करता है। अंजलि जो की 15 साल से इस ग्रुप का पार्ट है, वो पहले अपने आप को संभालती है और कुछ दिन बाद अपने ग्रुप में से सिर्फ अपने दोस्त विनय को ये बात कहती है, और फिर विनय इस बात को पूरे ग्रुप के सामने ले आता है। और इस मैटर पर ग्रुप के सबसे सीनियर मेंबर के घर पर एक मीटिंग भी बुलाई जाती है, और पहले तो सब अंजलि को सपोर्ट करते हैं और उस कल्पिट को ग्रुप से बाहर करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे कुछ और बातें बाहर आते हैं, कुछ सीक्रेट्स रिवील होती है, ये लोग जो 15 साल से एक साथ थे, वो अपने 15 साल के ग्रुपमेट अंजलि के बारे में सोचने के बजाय खुद का स्वार्थ देखने लग जाते हैं और एक दूसरे को ही अक्यूज करने लग जाते हैं। अट्टियम इसी साल रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज में बनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री ड्रामा मूवी है जिसको आनंद एकर्षि ने लिखा और डायरेक्ट भी किया है। और ये मूवी वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज ऑफ ऑल टाइम 12 एंग्री मैन से इंस्पायर्ड है। मेनली इसकी स्टोरी को 12 एंग्री मैन के स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है। तो ये फिल्म भी एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री की तरह है जहां मोस्ट ऑफ द मूवी सिर्फ एक सिंगल रूम में ही टेक प्लेस करती है। और साथ ही इस मूवी की स्टोरी टेलिंग मुझे अकीरा कुरोसावा के राशोमन से थोड़ी सी इंस्पायर्ड लगी है, जहां एक ही इवेंट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से बताया जाता है। तो इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को डायरेक्टर आनंद एकर्षि ने काफी यूनिक तरीके से प्रेजेंट भी किया है जो मूवी को एकदम एंड तक एंगेजिंग बना देता है, क्योंकि मोस्टली जो सिंगल रूम ड्रामास होते हैं वो बहुत जल्दी मोनोटोनस या फिर बोरिंग भी हो जाते हैं। लेकिन इस मूवी को डायरेक्टर ने अपने बेहतरीन राइटिंग और इम्प्रेसिव कैमरा वर्क से काफी एंगेजिंग रखा है, और मूवी के एकदम एंड तक आप हुक्ड रहते हो क्योंकि इसकी एंडिंग भी बहुत ही अच्छी है। मूवी में जितने भी एक्टर्स हैं सभी ने अपने रेस्पेक्टिव रोल्स में एकदम फ्लॉलेस काम किया है जो इस मूवी को बहुत ही रियल और इम्पैक्टफुल बना देता है। साथ ही मूवी को बनाया भी गया है बहुत ही ब्रिलियंटली। मूवी में कैमरा वर्क, सिनेमाटोग्राफी एकदम टॉप नॉच लेवल की है। स्पेशली जो प्लेस या फिर नाटक के सीन्स हैं उनको बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। लेकिन सबसे बेहतरीन है इसके डायलॉग्स। ये मूवी बहुत ही डायलॉग हैवी है, और यहाँ भी स्क्रीन राइटर ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया है। मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ ही इसका एंडिंग बहुत ही सैटिस्फाइंग है। मूवी में मोरल पुलिसिंग, मिसोजिनी जैसे कुछ सीरियस सोशल इश्यूज पर बात भी किया गया है। अब मूवी के नेगेटिव्स की बात करते हैं तो मूवी काफी स्लो भी है और अपनी स्टोरी कहने में थोड़ा टाइम ले लेती है। और साथ ही अगर आप सिंगल रूम ड्रामास देखना पसंद नहीं करते हो तो ये मूवी आपको और भी ज्यादा बोर करेगी। तो अगर आप 12 एंग्री मैन या फिर कोर्ट रूम ड्रामास या फिर स्टोरी ड्रिवन मूवीज देखना पसंद करते हो तो ही इस मूवी को देखना, क्योंकि इस मूवी को मिस्ट्री या फिर थ्रिलर मूवीज की तरह नहीं बल्कि एक स्टोरी ड्रिवन ड्रामा मूवी की तरह बनाया गया है। अट्टियम एक जबरदस्त थॉट प्रोवोकिंग मूवी है जो एक बहुत ही इंट्रीगिंग स्टाइल में ह्यूमन साइकी और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। अट्टियम को आप मलयालम लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। ऐसे और मूवीज एंड सीरीज के रिव्यूज देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बोलना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।